तो दोस्तों ये है टेक्नो का न्यू स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क गो 2024 जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छे फीचर के साथ लॉन्च हुआ है और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे हमें क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों इस फ़ोन को अनबॉक्स करके जानते हैं इस फ़ोन के बारे में। जिस प्रकार से हमें यहाँ पर पैकेज देखने को मिल जाता है, इसके पन्ने को यहाँ से हम हटा देते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें ये टेक्नो स्पार्क 2024 देखने को मिलता है। दोस्तों इसका जो लुक है वो पिछले टाइम के स्पार्क सीरीज से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर दो बड़े बड़े लेस देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर फ्लैश लाइट मिल जाती है। पीछे का जो पैनल है प्लास्टिक में लिखा हुआ है, यहाँ पर टेक्नो का नाम लिखा है और इसका जो कलर दोस्तों वो काफ़ी अच्छे काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्पार्क 10 सीरीज आया था उस प्रकार के फ़ोन देखने को मिलता है। दोस्तों इस फ़ोन के बारे में जानने से पहले इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बता दूं। इसमें आपको रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है जो कि पंचोल कैमरा रहेगा। इसमें आपको डुअल स्पीकर मिल जाता है और इसमें दोस्तों आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जिसको चार्ज करने के लिए आपको 10 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसका जो प्राइस है वो है 7500 रुपये। इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है T606 जो कि काफ़ी अच्छी है और साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है जो कि 16.66 सेंटीमीटर का रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस फ़ोन के डिटेल्स को जानते हैं, ये फ़ोन हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये तो रही इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन, आप जानते हैं इस फ़ोन की वैल्यू की कि ये जो फ़ोन है इस प्राइस रेंज में हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फ़ोन के फीचर्स को। वैसे इस फ़ोन के साथ आपको इसके बॉक्स में और क्या मिल जाता है उसके बारे में आपको बता दूँ, जो कि यहाँ पर आपको एक कवर देखने को मिलता है जो कि प्लास्टिक का है और ट्रांसपेरेंट कवर इसे बोलते हैं। इसमें आपको 10 वाट का चार्जर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है जो कि काफ़ी लाइट वेट है। टाइप सी पोर्ट का आपको केबल देखने को मिलता है, सिम इनजेक्टेड ट्रे। वैसे कवर लगने के बाद जो फ़ोन है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। इसमें आपको प्रोटेक्शन कैमरा में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, इसका वो काफ़ी खुली खुली हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। और इसके प्रोटेक्शन के लिए आपको कोई दूसरा कवर लगाना पड़ेगा, कैमरे में आपको गार्ड लगा के चलाना पड़ेगा। इस कवर में आपको इसके कैमरे में प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों टेक्नो ने अपने डिस्प्ले में काफ़ी अच्छे सुधार किए हैं क्योंकि पिछले टाइम के जो डिस्प्ले आते थे वो काफ़ी लो क्वालिटी के आते थे, लेकिन इस बार आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है और 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों पंच होल कैमरे में काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छी दिख रही है इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो। वैसे इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और अपने हाथ में अगर आप पकड़ते हो तो फिर आपको काफ़ी बड़ा लगेगा। एक हाथ से आप इस फ़ोन को चला नहीं पाओगे, आपको इस फ़ोन को चलाने के लिए तो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और काफ़ी बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है इसमें और काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है इस टाइम इसके डिस्प्ले क्वालिटी में। कैमरे में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि इसका जो कैमरा है वो उतना अच्छा नहीं आता है। 4x की जूमिंग देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में आपको। वीडियो क्वालिटी, AI कैमरा, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, सुपर नाइट मोड, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो का एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों इसके कैमरे से हम कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं। आप सभी को बता दूं कि इसमें आपको 2 कैमरा जरूर नज़र आता होगा, लेकिन इसमें आपको सिंगल कैमरा ही यूज़फुल है। सेकंड कैमरा जो है वो AI है, इसमें आपको कोई लेंस देखने को नहीं मिलता है। फर्स्ट कैमरा है जो मेन कैमरा है और ये 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें आपको फ्लैश लाइट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का। रियर कैमरे से कुछ इस प्रकार से आपको फोटो देखने को मिलता है। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो फिर काफ़ी अच्छी इसमें आप फोटो ले सकते हो, अगर आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो इसमें ऐसा कोई भी अच्छा फीचर नहीं दिया गया जिससे कि आप अच्छे फोटो ले सको। कुछ इस प्रकार से आपको इस पर फोटो देखने को मिलते हैं इसके रियर कैमरे से। फ्रंट कैमरे में आपको एवरेज से भी एवरेज फोटो देखने को मिलती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप इस फ़ोन में वीडियो देखते हो या फिर आप गेमिंग करते हो तो फिर आपको काफ़ी बड़ा डिस्प्ले होने के कारण से आपको काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगा क्योंकि दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसमें आपको रिफ्रेश देखने को मिलता है, उसकी जो स्क्रीन है वो 16.66 सेंटीमीटर का है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों इसमें आपको डुअल साउंड स्पीकर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है अगर आप वीडियो या फिर गेम करते हो तब। फोन में आपको कुछ बेसिक फीचर और देखने को मिल जाते हैं उसको मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों इस फ़ोन में आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिलता है, लेकिन इस टाइम में दोस्तों आपको 14 के अपडेट वाले फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। फिर भी टेक्नो ने आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट वाला फ़ोन यहाँ पर लॉन्च किया है। वैसे आपका जो एंड्रॉइड है वो 2-3 अपडेट होंगे तो आप इस फ़ोन को आराम से 2-3 साल चला सकते हो। और दोस्तों इसमें आपको एक्सटेंडेड रैम देखने को मिलता है, यानी कि दोस्तों ये फ़ोन जो है वो 3GB 64GB का तो ऑफिशियल है, लेकिन आप इसमें एक्सपेंडेड करके 3GB और बढ़ा सकते हो। यहाँ से 1GB बढ़ा हुआ है, यहाँ पर आप 3GB बढ़ा सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो फ़ोन हो जाएगा 6GB 64GB जो कि काफ़ी अच्छी रहेगी। वैसे इस फ़ोन को देखते हुए मैं अपनी ओपिनियन ये देना चाहूँगा कि ये जो फ़ोन है दोस्तों इसमें आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। वो टाइप सी चार्जर देखने को मिलता है वो भी काफ़ी अच्छी लगी, और इसमें आपको डुअल स्पीकर साउंड देखने को मिलता है वो भी काफ़ी सही है। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नो को कैमरे में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देना चाहिए था क्योंकि इसका जो कैमरा है वो आज भी वैसे का वैसा ही है। थोड़ा सा इसके कैमरे में इंप्रूवमेंट चाहिए था। अच्छा स्मार्टफोन है ये, अगर आपको कैमरे से कोई लेना देना नहीं है तो फिर आप ये फ़ोन बिल्कुल बाय करिए क्योंकि काफ़ी सही और काफ़ी अच्छी फीचर के साथ ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।